तो आज से G7 शुरू हुआ है और जब मेलेनी अलग अलग कंट्री लीडर से मिल रही हैं तो यहाँ पे उनके जेस्चर्स अलग अलग टाइप के हैं, तो मुझे लगा कि चलिए इस चीज पे एक वीडियो बनाना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिला, इसलिए मैंने सोचा कि चलिए एक सेपरेट वीडियो इस पे बनाते हैं। आइए देखते हैं बॉडी लैंग्वेज के वो सारे जेस्चर्स जिससे शायद आपको भी पता लगे कि कुछ तो बात है। वेलकम, माय नेम इज कानन टांडी और आप देख रहे हैं बॉडी लैंग्वेज रीडिंग एंड डिकोडिंग फॉर G7। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये वीडियो देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगा और जैसे ही मेलेनी अलग अलग कंट्री के लोगों से मिल रही हैं तो अलग अलग टाइप के जेस्चर्स, अलग अलग टाइप के स्माइल्स और काफी कुछ देखने को मिला। चलिए वीडियो देखते हैं और वीडियो देखने के साथ साथ डिकोड करते हैं। इसके पहले, काफी पहले मैंने एक्चुअली एक वीडियो बनाया था, वो उसमें मैंने ये बताया था कि ऐसे टाइप के जितने भी कॉन्फ्रेंसेस होते हैं उसमें आप बॉडी लैंग्वेज ना ही देखें तो बेहतर है, क्योंकि लोगों को ट्रेन किया जाता है, कोच किया जाता है और हर किसी को पता चलता है कि किस तरह से बॉडी लैंग्वेज और या तो इतने जेस्चर और पोस्चर दिखाने हैं इन पब्लिक प्लेटफॉर्म। पर यहाँ पे बहुत कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिला, इसलिए मैंने सोचा कि चलिए एक सेपरेट वीडियो इस पे बनाते हैं। सबसे पहले आती है EU की प्रेसिडेंट अर्सुला। जैसे ही अर्सुला आ रही है आप देखेंगे कि जॉर्जिया की स्माइल बहुत ज़्यादा खुली हुई नहीं है एंड शी एक्सटेंड्स द हैंड, पर ये हैंडशेक भी बहुत अच्छा नहीं है और प्लेन सा सिंपल सा हैंडशेक है। और वो फिर से हाथ बढ़ाती हैं, इस बार वो सब्जुगेटिंग हैंडशेक करती हैं। आप देखेंगे कि वो हैंडशेक करने के बाद थोड़ी बहुत स्माइल करती है, बट द स्माइल इज़ ऑफ पर्स्ड लिप्स, तो स्माइल में पूरी स्माइल नहीं है। उसके बाद नमस्ते करके उनको जाने को कहते हैं। उसके बाद आते हैं यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट चार्ल्स माइकल, और यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं हैंडशेक अगेन सिंपल है और फॉर्मल है, और उनकी स्माइल देखिए अभी भी पर्स्ड लिप्स है, यानी कि यूरोपियन काउंसिल और यूरोपियन कमीशन से कुछ तो बात है जो मेलेनी को आगे बात बढ़ानी है, इनको भी जाने को कह दिया जाता है विद रिस्पेक्ट। के बाद आते हैं ऋषि सुनक, UK के प्रधानमंत्री, और यहाँ पे देखिए उनकी स्माइल भी काफ़ी ज़्यादा खिली हुई है और जॉर्जिया मेलेनी की भी स्माइल काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे वो लोग बहुत ही गर्मजोशी के साथ मिलते हैं और उसके बाद वो बात भी करते हैं। आप देख सकते हैं कि फिजिकल टच काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि दोनों कंट्रीज़ के बारे में, दोनों कंट्रीज़ आपस में काफ़ी ज़्यादा बात करने वाले हैं और शायद इन लोगों में आपस में कोई ऐसी बात होने वाली है जो दोनों कंट्रीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। उनको भी इसके बाद एक बहुत अच्छी स्माइल के साथ जाने के लिए कह दिया जाता है। इसके बाद आते हैं जर्मन के हेड ओलफ। ओलफ जब आते हैं तो आप देखेंगे कि जॉर्जिया स्माइल करती है पर्स लिप के साथ, बट वो स्माइल कन्वर्ट हो जाती है इन अ रियल स्माइल, जेन्युइन स्माइल। ओलफ का एक हाथ अपने पेट में है, इसका दो मतलब निकाला जा सकता है, एक जो कि रेस्पेक्टफुल साइन है और दूसरा ही हैज समथिंग टू नॉट बी डिस्क्लोज्ड येट, और उन कुछ तो वो बात शोध करके आए हैं जो उनको डिस्कस करना है, इसलिए उस चीज़ को वो अभी छुपा रहे हैं। इसके बाद आते हैं जापान के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर फूमियो। जब वो आते हैं तो आप देखिए जॉर्जिया का जो बॉडी लैंग्वेज है वो थोड़ा सा ज़्यादा झुका हुआ सा लग रहा है। दिस इज़ अ साइन ऑफ रेस्पेक्ट, क्योंकि वो जानती हैं कि जापान में थोड़ा सा झुक करके ही सामने वाले को रेस्पेक्ट दिया जाता है। अब जब आप बात उनको देखेंगे करते हुए तो वो डिस्टेंस मेंटेन कर रही है, और जो आपने झुकते हुए उनको देखा दैट इज़ अ साइन ऑफ अटर रेस्पेक्ट जो कि वो अपनी तरफ से दिखाना चाह रही हैं। जस्टिन ट्रूडो का हेड टिल्ट बताता है कि दे हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट, वो जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं विथ कॉन्फिडेंस। आप देखिए कि आपस में इन दोनों कंट्रीज़ के बीच भी काफ़ी ज़्यादा बातचीत होने वाली है आने वाले टाइम पे, ये दिखेगा कि दोनों कंट्रीज़ ने कुछ अच्छा पॉलिसी डिस्कस किया है आपस में। आप स्माइल से बता सकते हैं कि जॉर्जिया के पास कुछ प्लान्स है बताने के लिए, और ऑब्वियसली कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर उस चीज़ से मना नहीं करेंगे। देखने में ऐसा लग रहा है कि जस्टिन के पास काफ़ी सारी बातें हैं करने के लिए, और ऑलरेडी जॉर्जिया ने ये सिग्नल दे दिया है कि आप ज़्यादा बात मत कीजिए, आगे बढ़िए। जब कंधे पे हाथ रख के थोड़ा सा चलाते हैं तो इसका मतलब कि बात ख़त्म करो और आगे बढ़ो, हमेशा इसका ये मतलब नहीं होता है, पर इस केस में इसका यही मतलब है। आप देखिएगा जब वो जाते हैं तो देर इज़ ऑलवेज अ टच दैट शी गिव्स, राइट, एक छोटा सा टैप रहता है, तो उसका मतलब ये है कि अभी आप जाइए, हम ज़रूर मिलेंगे। जस्टिन के पास काफ़ी सारी बातें करने के लिए। और फिर आते हैं फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। जैसे ही इमैनुअल आते हैं आप अगेन देखिए बहुत ही शांत तरीके से खड़ी हैं जॉर्जिया,
और काफ़ी रिस्पेक्टफुल हैं। दोनों कंट्रीज़ के बीच जो है बातचीत शायद अच्छी चल रही है। आने वाले टाइम में हमें इन दोनों के बीच बहुत कुछ देखने को नहीं मिलेगा, बट दोनों कंट्रीज़ आपस में डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा है इमैनुअल की तरफ से थोड़ा डिस्टेंस है, यानी कि फ्रांस और इटली के बीच शायद कोई प्रॉब्लम आने वाले समय में हो सकता है, या कुछ इश्यूज़ हैं जो अभी सॉल्व करने बाकी है। और अंत में आते हैं यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन। जब वो आगे बढ़ रहे हैं और आगे आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि जॉर्जिया भी कुछ कदम आगे चल के आई। ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि वो सीनियर है एज में काफ़ी, और या तो यूएस के प्रेसिडेंट हैं। इसलिए जब आप देखते हैं जॉर्जिया को, उनके हैंड जेस्चर से आपको पता लग जाएगा दैट शी इज़ नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ इंटरैक्टिंग, और अभी वो सिर्फ थोड़ा टाइम ले रही है ताकि उनको फ़ोटो खिंचाना है। ये वाले जेस्चर्स जो कोई देता है जब दोनों हाथ नीचे की तरफ होते हैं, सो इट्स अ क्लियर साइन दैट अभी के लिए इतना ही और आगे बढ़ो। तो ये एक नॉन वर्बल साइन होता है स्टॉप का भी, जो काफ़ी लोग नहीं समझ सकते। और फिर होता है ग्रुप पिक्चर, जहाँ पे हर कोई एक दूसरे से मिल रहा है। अभी आप देखेंगे कि अर्सला आएंगी बात करने के लिए और मिलने प्रेसिडेंट जो बाइडन से, और वो डायरेक्टली बीच के तरफ चली आ रही हैं। तो शायद उनको ये लगा हो कि मुझे यहाँ पे खड़ा रहना है, और जब वो जगह के लिए पूछती हैं तो उनको सबसे कोने में खड़ा कर दिया जाता है। और उसके बाद आप वो पिक्चर देखेंगे कि जब वो साइड में खड़ी हैं सबसे कोने में, उसके बाद उनका हैंड जेस्चर जो है वो क्रॉस हो गया है, विच इज़ ऑल्सो अ साइन दैट ओ दिस इज़ नॉट गोइंग वेरी वेल। ऑन दी अदर हैंड जितने भी दूसरे देश के लीडर्स हैं, या तो वो अनक्रॉस्ड में खड़े हैं हैंड के साथ, या तो क्रॉस्ड हैंड के साथ हैं, बट जो लेग जेस्चर है या तो जो स्टांस है, जैसे उन्होंने अपना फीट प्लांट कर रखा है, उससे भी काफ़ी कुछ पता चलता है कि कौन कितना कॉन्फिडेंट है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा, और आपके मन में अगर और कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है ज़रूर लिखिएगा, हम ज़रूर आपकी बात मानेंगे और एक अमेजिंग वीडियो बना के लाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बॉडी स्पीक्स बेटर।